जब वोट देना होता तब सभी आता है, जब वोट लेना नहीं होता मतलब मांगना होता तो सभी आएगा, ये करूंगी वो करूंगी, उसकी बात तो हमारे पास कोई नहीं आता ना। अगर जनता इस बात को समझ ले कि ईवीएम ही खराब है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैलेट पेपर से कराना चाहिए। हाँ, बैलेट पेपर तो एक सही तरीका है कि जनता का विश्वास हटता चला जा रहा है। पहले लोग 40% वोट नहीं देते थे, 50% नहीं दे रहे, तो ऐसे हम कौन सा लोकतंत्र चला रहे हैं जिसमें जनता ने विश्वास ही करना बंद कर दिया। लगता है आपके खाते में आ गए, मेरे तो नहीं आए, और मेरे जैसे यहाँ ज्यादातर लोग बैठे हैं उनके किसी के भी खाते में नहीं आए। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये पोस्टर देखिए, पोस्टर पे लिखा हुआ है कि राइट टू वोट मेक इट कंपलसरी, यानी कि वोट देना जो है ज़रूरी है। और इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम जिसको देना चाहें उसी को वोट दें, हमसे जबरन वोटिंग नहीं करवाया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, वैसे तो तमाम लोग मौजूद हैं आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे ये लोग क्यों आई हैं। जैसा कि मुझे मालूम है कि वोट तो उन्हीं को देते हैं जिनको हमारा मन करता है, लेकिन ये लोग कह रही हैं कि क्या दिक्कत है आप लोग को। हमें ये दिक्कत है, जैसा हम किसी को भी चुनो, हमें सरकार तो नहीं मना करेगा जो उस बंदे वो दो, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो नहीं, हमें वोट दे के जाओ। जब वोट देना होता तब सभी आता है, जब वोट लेना नहीं होता मतलब मांगना होता तो सभी आएगा, ये करूँगी वो करूँगी, उसकी बात तो हमारे पास कोई नहीं आता ना। तो हमारे पास जो काम करेगा, हमारी जो सुनाई करेगा, हम उनको वोट दोगे ना। होता है क्या कोई जबरन बोलता है हमको वोट दो? हाँ, बोलता है रोड पे पकड़ा था भाई मैडम हमें दे दो, हमें बीजेपी के दो, केजरीवाल को दो, वो हमारी मन की वो है ना, हम किसी को भी दो, इसलिए हम आया जो हम वोट हमारी उसमें होएगा। हम सरकारी का चॉइस नहीं करूँ, हमारी चॉइस हम जहाँ जाऊँ, निकली यहाँ पे रुकावट होती है घर घर में। मुझे तो मालूम है लोग अपने मन से ही वोट देते हैं। देता तो मन से है, निकल कोई इंसान बताता नहीं है जो चलो हमें बोलता है भाई वहाँ पे वोट दो। नहीं, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि किसी ने बोला हो? बोलता है आप किसका बोलिए बताओ। जैसा होता है, जैसा केजरीवाल आता उनकी जो बंदा आया था वो कहता है हमारा को दो, हम अपना काम कर रहा हूँ, हमें निकल हम बोलता हम आपको क्यों दूँ, हमारी मन है हम दोंगे, हम किसी को भी दूँ, तुम कैसे बोलने आते हो जो हमें वोट देना है? आपकी केजरीवाल स्पेशल हमें कुछ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना, हमारी मन है। स्पेशल दे तो रहा है, बस तो चला रहा है वो, तो मैडम आज बस दे रहा है ना, पहले थोड़ी ना, हम तो 2009 से काम कर रहा हूँ ना, तो उस टाइम भी तो हम एसी वाला बस पे 1500 रुपया 2000 दे के गया था ना बस पे। अब जिन लोग घर पे बैठे रहता है उनके लिए सुविधा है बस पे घूमना, फ्री में सारा दिन घूमना, हमें तो नहीं घूमना ना। हम तो पहले भी 2000 दे के बस पे एसी में आता था, अभी भी हम चाहते हैं फ्री कम फ्री बंद करके बस चालू करें ना, हमारी कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं है, लेकिन फ्री में तो और नुकसान है ना। मैडम, ये जो राइट टू वोट है इस अधिकार को हम कंपलसरी कराने आए हैं। तो है ही नहीं, कंपलसरी नहीं है। अगर कंपलसरी होता तो 40% दिल्ली में आपने देखा 50% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो कहाँ है कंपलसरी? किसको पनिशमेंट मिला ना देने का? और अधिकतर आपने देखा देश में जो एवरेज जाती है वोट देने की वो 60% जाती है, 40% लोग देते ही नहीं है, तो फिर जो निर्णय आते हैं वो कहाँ निर्णय रहे? जब 100 में से 40 लोगों ने तो हिस्सा ही नहीं लिया, 50 लोगों ने तो हिस्सा ही नहीं लिया, तो जो परिणाम आए वो शुद्ध परिणाम कहाँ हुए? वो तो परिणाम होंगे नहीं। तो ऐसे हम कौन सा लोकतंत्र चला रहे हैं जिसमें जनता ने विश्वास ही करना बंद कर दिया? तो लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र नेचुरली है, पक्के रूप से खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि जनता का विश्वास हटता चला जा रहा है। पहले लोग 40% वोट नहीं देते थे, 50% नहीं दे रहे, तो ये जनता का उस लोकतंत्र से विश्वास हटता है, उस राजनीति से। लोकतंत्र से तो हटेगा, लेकिन सबसे पहले उन राजनेताओं से, उन राजनीति से विश्वास उठ रहा है कि भाई ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जनता सोचती होगी ये तो ऐसे भी जीत जाएंगे, हम वोट दें या ना दें क्या फर्क? हाँ, ये वैसे ही जीत जाएंगे तो बात वही है ना, 100% भागीदारी कहाँ हुई? मान लो एक आदमी ने वोट दिया, वो तो एक आदमी का उससे जीत गया। कुछ लोग बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी देने से ही क्या होगा? हाँ नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि आजकल तो रिमोट चीजें आ गई हैं, दूर से कहीं से भी किसी मशीन को आपने देखा घर में बैठे बैठे टीवी दूर से करके हम ऑफ कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, चैनल बदल लेते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। दिला के क्या करेंगे फिर? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वोट दे ना दे। नहीं तो आपका कहना क्या वोट देना बंद कर दिया जाए जनता का? नहीं, मेरा कहना नहीं है, जब आप कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है तो वो किसी को भी वोट देंगे तो उसी में जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं मगर वो साबित नहीं कर पा रहे, साबित करना भी तो होगा ना। चुनाव आयोग ने बहुत पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि
ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम हटाया जाए। हाँ तो मतलब गड़बड़ी प्रूफ तो कहीं नहीं हुई, हुई है क्योंकि इसको प्रेस में ने रिलीज नहीं किया था इसीलिए। ठीक है, अगर गड़बड़ी है तो सरकार को फिर हटाना चाहिए। आपके कहने के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो सरकार क्यों नहीं हटा सकती? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानना चाहते? वामन मिश्राम को जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह, वही बोलते हैं सबसे ज्यादा ये ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, बोलने को कोई भी कुछ भी बोल सकता, उसकी मनमानी है, उसकी मर्जी है, है ना, उनके पास रसीद भी है। लेकिन अगर 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 कोर्ट ने बोला है, अगर जनता इस बात को समझ ले कि ईवीएम ही खराब है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैलेट पेपर से कराना चाहिए। हाँ, बैलेट पेपर तो एक सही तरीका है, है ना, बैलेट पेपर एक सही तरीका। मशीन से कोई काम करना ठीक है, जल्दी हो जाएगा, समय से हो जाएगा, लेकिन मशीन में खराबी की भी संभावना रहती है। और क्या मांगे, और क्या मांगे? बस हमारी यही मांग है कि जो जनता चुनावों में आती है ना, तो उसको वोट देने का अधिकार होता है, और जब वोट देने का अधिकार होता है ना, तो बड़ा क्लियर है कि वो उसी वोट के अधिकार पर ही सरकारें बनती है। अगर जनता का वोट देने का अधिकार ही उससे छीन लिया गया या उसे देने नहीं दिया गया, आपने देखा चुनावों में क्या होता है, लिस्टों में गड़बड़ी हो जाती है। अर्थात जनता वोट देना चाहती है मगर जब उसका वोट ही गायब कर दिया तो आपने उसके वोट देने के अधिकार को भी छीन लिया, तो कहाँ से फिर परिणाम आएंगे? तो ऐसे आदमी को जिसने वो लिस्टों में गड़बड़ करी, चुनावी लिस्टों में गड़बड़ करी, उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, कानून के अंदर उसे भी दोषी ठहराया जाना चाहिए, उसकी नौकरी पे। कुछ महिलाएं बोल रही थी कि जबरन वोटिंग का भी सिलसिला चलता है। नहीं, जबरन वोटिंग का उतना नहीं होता, इतने परिणाम को जबरन नहीं होता, लेकिन होता है। हाँ नहीं, अगर होता है तो ये तो फिर जनता की गलती है ना, जो लोग जबरन वोटिंग का शिकार हैं या जो शिकार बन जाते हैं ये तो उनकी गलती है। मान लीजिए मैं जहर खा रहा हूँ, उसमें दूसरे की क्या गलती है? राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उनकी सदस्यता चली गई, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, लोकतंत्र खतरे में जरूर है, नो डाउट, लेकिन राहुल गांधी के कहने से लोकतंत्र खतरे में, मैं इस बात में उनकी सदस्यता चली गई। जब तक इस देश की जनता नहीं मानेगी कि लोकतंत्र खतरे में है, वो हमें कहाँ से पता चलता है कि जब जनता 100% वोट नहीं करती तब हमें जरूर कह सकते हैं कि 50% दिल्ली के एमसीडी चुनाव में वोट किया तो इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में था, 50% लोग नहीं मानते कि उन्हें वोट देना जरूरी है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, इस पे क्या कहेंगे? ये सब कानूनी चीजें हैं और कानूनी चीजों में राहुल गांधी ने जो बोला वो गलत बोला। नहीं, गलत या सही मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या गलती करी है और दूसरे ने क्या समझा है, एक ने कही दूसरे ने जानी, नानक है दोनों ज्ञानी, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? अगर गलती है तो एक कोर्ट साबित करेगी कि गलत राहुल गांधी है, गलत दूसरे लोग हैं। 2024 में फिर भी मोदी जी जीतेंगे क्योंकि विपक्ष में तो कोई है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, अब विपक्ष में हम लोग खड़े हो रहे हैं, पार्टी लेस डेमोक्रेसी, ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन बनाया है, हमारा नारा है शपथ पत्र दो वोट लो। अर्थात जो कोई चुनाव में खड़ा हो वो जनता से झूठे वायदे कर ही ना पाए, वो जो कुछ वायदे कर, कौन झूठे वादे कर रहा है, सब तो पूरा हो रहा है, 15 लाख आ गए खाते में, राम मंदिर बन गया, गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, धारा 370 हट गया। लगता है आपके खाते में आ गए, मेरे तो नहीं आए, और मेरे जैसे यहाँ ज्यादातर लोग बैठे हैं उनके किसी के भी खाते में नहीं आए। ऐसे ही जो जुमलेबाजी होती है या झूठे वायदे जनता से किए जाते हैं, जनता हर बार चुनावों में ठगी सी रह जाती है, चुनाव संपन्न हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, नई सरकारें बन जाती हैं, नए चेहरे आ जाते हैं, मगर जनता वहीं की वहीं ठगी सी रह जाती है, वो ठगी सी ना रहे, इसके लिए हम नारा दे रहे हैं, शपथ पत्र दो वोट लो। अर्थात जो चुनावी वायदे आप करें वो एक स्टाम्प पेपर पर लिख के करें, और उसकी उससे अगर वो पूरे ना हो तो उसके उसको पूरे ना करने के जुर्म में आपको कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं सरकार की वो तो जेल में चले जाते हैं, कैसे विरोध करेंगे? नहीं, आप कैसे समझती हैं कि वो जो लोग जेल में जा रहे हैं केवल वही विरोधी हैं? आप वोट देखिएगा कि काफ़ी लोग वोट जो है खिलाफत में देंगे तो अभी विरोधी हैं। ठीक है, सड़कों पर उतर के और सड़कों पर विरोध करना, आपको वोट देने का अधिकार दिया गया, आप उसमें करिए ना विरोध, ना दीजिए वोट, किसने कहा कि आप उन्हें वोट दीजिए? ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि अभी तक जनता अवेयर नहीं है, 50% लोग वोट देते ही नहीं हैं, और पहले था कि 40% वोट नहीं देते थे, अब 50% वोट नहीं देते हैं, जिससे कि पता ही नहीं चल पाता कि कौन जीत रहा है, क्योंकि 50% जिसको देती है वो जीत जाते हैं, तो 50% जो बच रहे हैं उनको वोट देना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये हमारा अधिकार है वोट देना, और वोट देना भी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग वोट देते हैं या नहीं देते? अगर नहीं देते हैं तो वोट दीजिए, और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।